हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हैप्पी सैटरडे टू ऑल ऑफ यू। और आज है सैटरडे, भैया स्कूल चला गया है और मैं भी जग गई थी, जल्दी जग गई थी। 6 बजे के आसपास मुझे जगना होता है, तो जल्दी जग जाओ ना तो जल्दी काम ख़त्म हो जाते हैं। तो वो स्कूल चला गया है और मैं इधर रात को जो सब्ज़ी लेके आई थी, तो सब्ज़ी को पानी में डीप करके रखा था मैंने थोड़ी देर पहले, और उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया था और बेकिंग पाउडर। तो मैं हमेशा अपनी सब्ज़ी ऐसे ही वॉश करती हूँ ताकि जो भी सब्ज़ी में केमिकल गंदगी होती है ना, वो सब कुछ अच्छे से निकल जाता है। तो मैंने इस टाइप से अपनी सब्ज़ी धो लेती हूँ और फिर उसको बालकनी में सूखने के लिए डाल देती हूँ, तो उसका पानी सारा जल्दी निकल जाता है और जल्दी सूख जाती है। अगर थोड़ा सा भी पानी सब्ज़ी में रह जाता है ना, तो वो जल्दी ख़राब होने के चांसेस होते हैं। इसलिए मैं क्या करती हूँ, उसको थोड़ा सा बाहर धूप में डाल देती हूँ, तो वो जल्दी सूख जाता है और गीला भी नहीं रहता और सब्ज़ी हमारी फ्रेश बनी रहती है। तो अभी मैंने सब्ज़ी धो के रख दी है और ये चाय हमारी सेकेंड टाइम की चाय है, क्योंकि राही लेट से उठी थी ना, तो उसके लिए चाय बनी। तो ये बोले मुझे भी थोड़ा सा दे दो, तो उन्हें भी दे दिया है और मैंने भी ले लिया है चाय। और मैं अपनी सब्ज़ी धो के बालकनी में लेके आ गई हूँ, सूखने के लिए डाल दिया है अभी सब्ज़ी को। इस टाइप से सुखाते हैं ना तो काफ़ी दिन चलती है। सब्ज़ी की दुकान लग गई है, मतलब मैं सब्ज़ी धो के ना इधर बालकनी में सूखने के लिए डाल देती हूँ, थोड़ा जल्दी सूख जाता है। देखो 9 बजे धूप आ गई अच्छी। यहाँ पर बैठने में मुझे इतना अच्छा लगता है ना, मतलब मेरा ये मेरा फेवरेट प्लेस बन गया है। मुझे बालकनी में यहाँ अरे वाह, अच्छा लग रहा है। चल नहा लेते हैं फटाफट। चलो फटाफट खाओ, तुम नहाएंगे। और इधर मैंने अपनी करी ली जो रात को लेके आई थी, तो उनको बिना वॉश किए ही मैं ऐसे सूखा ही तोड़ के डिब्बे में भर के फ्रीजर में डाल देती हूँ। तो ये मुझे काफ़ी दिन तक, कम से कम 1 महीना तक ऐसे कैसे फ्रेश मिलती है, तो इसी टाइप से मैं तोड़ के फ्रिज में लगा देती हूँ। कोई सी भी लीफ वाली सब्जी होती है ना, जैसे पत्ता गोभी हुआ, फिर हमारी क्या बोलते हैं उसको, मेथी हुआ, कोरिएंडर, कोथमीरी जिसको बोलते हैं, इनको सारी सब्जी को मैं ऐसी ही तोड़ के डिब्बे में भर के रख देती हूँ ना, तो काफ़ी दिन तक चलता है। और अभी है मेरा लंच टाइम, तो मैं बनाने आई हूँ इधर पनीर की सब्जी। और जब तक आती हूँ तब तक पता चलता है कि आधा पनीर गायब है। इन लोगों को पनीर बहुत पसंद है और अपने से निकाल के खा। और अभी बना रही हूँ पनीर की सब्जी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इस वाली कढ़ाई में आजकल खाना क्यों बनता है, तो इस वाली कढ़ाई में खाना इसलिए बनता है क्योंकि मेरे पास ये लोहे का रखा हुआ था और मुझे मम्मी ने दिया था, बोले इसमें खाना बनाना अच्छा होता है। और आयरन, मतलब ऐसे लोहे वाली कढ़ाई में हम खाना बनाते हैं ना, तो हमें आयरन भी मिलता है और साथ में अगर हम जिसे हमने सुना है ना आजकल कि जो जर्मेनियम बर्तन होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम की कढ़ाई, तो इस पर काफ़ी सारी बीमारियां भी फैलती है, तो क्यों ना हम हमारे पास है तो इसका यूज़ कर लिया जाए। तो यही सोच के ना मैंने अपना लोहे वाला कढ़ाई निकाला है और जल्दी बन भी जाता है इसमें। तो मैं बना रही हूँ इधर पनीर की सब्जी और मैंने उसमें ऐड किया है पहले घी। बटर यूज़ करते हैं लेकिन मैं बटर का यूज़ नहीं करती हूँ, जो भी चाहिए होता है, मतलब किसी भी चीज़ में मैं बटर की जगह घी का ही यूज़ करती हूँ, जो भी घर का घी बनता है उसी का यूज़ करती हूँ। तो घी लिया है, उसको थोड़ा सा गर्म होने दिया है, फिर उसमें ऐड किया है थोड़ा सा काली मिर्च, लौंग, तेजपत्ता, फिर ऐड करेंगे थोड़ा सा राई और जीरा। अच्छे से थोड़ा सा मतलब पक जाएगा, उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे ऑनियन की प्यूरी और थोड़ी देर अच्छे से सेक लेंगे जब तक कि वो उसका ऑयल छोड़ने ना लगे कढ़ाई, उतनी देर सेकेंगे। फिर उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और साथ में रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे, थोड़ा सा पका लेंगे। उसके बाद उसमें ऐड करेंगे टमाटो प्यूरी। और इधर मैंने सारी प्यूरीज ना हस्बैंड से पिसवा के रखी है, क्योंकि मुझे ग्राइंडर चलाने में बहुत डर लगता है और अभी तक मैं डरती हूँ। और अब मैंने इसमें टमाटो प्यूरी ऐड कर दी है, साथ में डाल दिया थोड़ा सा हल्दी पाउडर और मैं इसमें एकदम थोड़ा सा चीनी भी डालती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा हल्का सा मीठा टेस्ट अच्छा लगता है और पनीर की सब्ज़ी में थोड़ा सा शुगर डालते तो थोड़ा अच्छा टेस्ट लगता है मुझे, तो मैं थोड़ा सा शुगर डाल देती हूँ। बट आप पे ऑप्शनल है, आपको अगर मीठा पसंद है तो शुगर डालो, अदरवाइज नो नीड। फिर ये देखो मेरा प्यूरी पक रहा है थोड़ा सा, इसको अच्छे से और पका लेंगे। फिर उसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा कैप्सिकम, मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा कैप्सिकम काट लिया था तो मैंने उसमें से थोड़ा सा ही डाला है, क्योंकि कैप्सिकम बच्चों को पसंद ही नहीं है, वो सब्ज़ी में से निकाल निकाल के फेंक देते हैं और हम लोगों को ही खाना होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा कम ही कैप्सिकम डालती हूँ। और कैप्सिकम अच्छे से पक जाएगी, फिर उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ी देर और पकने देंगे। फिर उसमें ऐड करेंगे जो मैंने काजू और बादाम की प्यूरी बना के रखी है, वो ऐड कर दूँगी।
और अभी मेरा मसाला पक के रेडी हो गया है, ऑलमोस्ट ही डन हो गया है। फिर उसमें ऐड कर दिया है थोड़ा सा पानी, क्योंकि थोड़ा सा पतला ग्रेवी अच्छा लगता है, और उसमें ऐड कर दिया है थोड़ा सा शुगर। इसको थोड़ी देर और पका लेंगे, कम से कम 5 से 10 मिनट और पकाएंगे पानी डालने के बाद। उसके बाद फिर हम ऐड करेंगे पनीर। तो पनीर तो मेरा आधा तो खा ही गए थे, आधा ही बचा था तो मैंने उतना ही डाल दिया है। फिर उसके बाद उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा फ्रेश घर का मलाई, तो मैंने अपने घर का बना हुआ ही मलाई डाला हुआ है इसमें। और उसके बाद लास्ट में ऐड करेंगे उसमें थोड़ा सा गरम मसाला, और साथ में ऐड करेंगे कसूरी मेथी, एंड एकदम लास्ट में ऐड करेंगे हरा धनिया। और इस टाइप से हमारी सब्जी बनके रेडी हो गई है। तो आप लोग कैसे बनाते हो पनीर की सब्जी, प्लीज़ मुझे एक बार शेयर करो। क्योंकि कुछ कुछ लोग ऐसे भी बनाते हैं ना, पहले टमेटो ऑनियन इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, फ्राई करने के बाद फिर उसकी ग्रेवी पीसते हैं। तो वो मैंने एक बार ट्राई किया था, लेकिन मुझे उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगा था, तब से मैं ये ऐसा वाला ही बनाती हूँ। मतलब कच्चा ही उनको ग्राइंड करती हूँ और फिर मसाले में उनको सेक लेती हूँ। तो ये मेरा सब्जी बन के रेडी हो गया है, और अभी हो गया है लंच टाइम। तो इसके बाद में बस फटाफट चपाती बनाऊंगी, दाल राइस मैंने कुछ नहीं बनाया है, तो चपाती बना लेंगे, खाएंगे, और फिर हम लोग थोड़ा सा जाएंगे शाम को। मेरा लैपटॉप अभी तक रिपेयर नहीं हुआ है, और वो बोले कि आपका लैपटॉप रिपेयर नहीं होगा, और अभी तो कुछ ज़्यादा ही अमाउंट बता रहे हैं, बोले CPU भी सब ख़राब हो गया है। तो आपको यहाँ पर आके एक बार चेक कर लो, आपको रिपेयर करवाना भी है या नहीं। पिज्जा की स्मेल आ रही तुम्हें तो, लैपटॉप खराब कर दिया और पिज्जा की स्मेल आ रही है। 11,000 में क्या स्क्रीन भी रहेगा क्या? 11,000 लग रहे थे लैपटॉप रिपेयर करने के, और उसमें जो स्क्रीन है, स्क्रीन का खर्चा 5,000 अलग से, और साथ में कीबोर्ड का खर्चा अलग से था, लेबर खर्चा अलग, कुल मिला के 17,000-18,000 जा रहा था। तो इन्होंने कहा 18,000 देने से अच्छा है कि कुछ और अमाउंट मिला के हम न्यू खरीद लेंगे। पर फिर भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, मैंने कहा चलो हम दूसरे शॉप पर देखते अगर रिपेयर हो जाए तो। हमने दूसरे शॉप पर रख दिया था लैपटॉप, और वो बोल रहे कि आप 2 दिन बाद आओ, मैं चेक करके बताता हूँ ये रिपेयर हो पाएगा या नहीं और कितना क्या खर्चा लगेगा। तो एक बार हमने दूसरी शॉप पे भी चेक कराया है, और अभी हम लोग जा रहे हैं घर, और हमारे घर के रास्ते में ही ये मंदिर होता है, तो सोचा हम कभी नहीं जाते तो क्यों ना आज मंदिर में चले जाएं। तो बस मंदिर में भगवान जी के दर्शन करने के लिए आ गए हैं, और वैसे तो 8 दिन में एक बार जाना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाता है, हम लोग नहीं जा पाते हैं, तो आज हम लोग मंदिर में आ गए हैं। और हम हैं बच्चे तूफानी, बच्चों की मस्ती कहीं पर ख़त्म नहीं होती है, अगर तुम जहाँ भी देख लो घर से बाहर भी इनकी मस्ती बरकरार रहती है। और मेरी बेटी ना इतना हीरोइन है, उसको ना मतलब दिन भर में 4 से 5 जोड़ कपड़े चेंज करना ही होता है। मेरा बेटा बोलता है मम्मा आपकी बेटी तो हीरोइन बनेगी। तो अभी हो गया है टाइम, और ब्लॉग को इधर ही एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में संडे के साथ, तब तक के लिए बाय।